गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूलरिटी को स्टडी किए थे, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के रिएक्शन के लिए उसमें बात किए थे। आपको मैं बताया था एक टाइप का रिएक्शन था हमारा सिंगल स्टेप वाला रिएक्शन, जिसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हैं, और सेकेंड था आपका मल्टी स्टेप रिएक्शन, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो उस केसेज में आपको डिफरेंट केसेज में आपको बताया भी था कि कैसे हम लोग मॉलिक्यूलरिटी को कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद मैं रेट लॉ के बारे में बताया था कि एलिमेंट्री रिएक्शन कोई भी होगा, मतलब सिंगल स्टेप वाला, तो उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही ऑर्डर के इक्वल में हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने उस पर आपको करवाए थे। चलिए एक और क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं, देन हम लोग अपने आगे के टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे, जो कि हमारा होगा डिटेल्ड में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे करके इंटीग्रेटेड डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बढ़िया है, अब ध्यान से देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ NO विथ Br2 for the reaction of NO with Br2 to form NOBr step 1 आपका दिया हुआ है। NO गैस प्लस Br2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विथ NOBr2 गैस एंड step 2 ये आपको दिया हुआ है। NOBr2 गैस NO Br2 गैस प्लस NO गैस गिव्स NOBr गैस। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहे हैं, इफ सेकेंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इफ सेकेंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO इज, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO। क्वेश्चन जरा आप ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन बढ़िया है। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे तो जनरली बोर्ड में नहीं पूछता, बट आप इसको समझ सकते हैं। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको कल प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कोई भी रिएक्शन, चाहे वो मल्टी स्टेप में हो रहा हो, कितने भी स्टेप में हो रहा हो, जब उसका हम लोग रेट लॉ लिखते हैं, तो रेट लॉ में जो हमारा रिएक्टेंट आना चाहिए वो मेन रिएक्शन का होना चाहिए, क्योंकि वो जो रेट लॉ लिख रहे हैं हम लोग, वो मेन रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब वो मेन रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें रिएक्टेंट भी होना चाहिए, वो मेन रिएक्शन का ही होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया था, और इस पर एक आध क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में करवाया था, कौन सा गलत होगा सही होगा, वैसा ही एक क्वेश्चन सेम टाइप का ये भी है। तो उसमें ध्यान से देखेंगे कि आप कहाँ पर गलती हो करके आप छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये तो बोर्ड में आता नहीं है, बट हाँ आप देखेंगे इसमें मैं समझाना यही चाह रहा हूँ कि जो एक्चुअल में अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो उसमें हमेशा जो रिएक्टेंट होना चाहिए वो मेन रिएक्शन का होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब बोल रहे हैं हमारा कि द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ NO विथ Br2। तो NO एंड Br2 आर द रिएक्टेंट ऑफ मेन रिएक्शन, और वो क्या बना रहा है, NOBr। ठीक है, तो हमारा अगर मेन रिएक्शन लिखेंगे तो NO और Br2 ये हमारा क्या चीज है, दिस बोथ आर द रिएक्टेंट, और हमारा कंपाउंड क्या बन रहा है, NOBr। दिस इज द मेन रिएक्शन, राइट, ये हमारा मेन रिएक्शन है। ठीक, अब ये जो मेन रिएक्शन है ये बेसिकली आपका दो स्टेप में हो रहा है, बैलेंस नहीं किया हुआ है।
ये जो मेन रिएक्शन है ये दो स्टेप में हो रहा है, स्टेप नंबर वन एंड स्टेप नंबर टू। ठीक है, स्टेप नंबर वन में एनओ गैस रिएक्ट कर रहा है बी आर टू गैस के साथ, और ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब इक्विलिब्रियम इसमें एग्जिस्ट करता है एनओ बी आर टू के साथ। वही एनओ बी आर टू को स्टेप टू में हम लोग एनओ के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फाइनली एनओ बी आर बन जाता है। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है, इफ सेकेंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अगर हमारा सेकेंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो आप मेरे को जरा बताओ कि मैं आपको बताया था कि स्टेप दो स्टेप में और कोई रिएक्शन हो रहा है तो एक स्टेप फास्टर स्टेप होगा और एक स्टेप स्लोअर स्टेप होगा, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, स्लोअर स्टेप और फास्टर स्टेप, तो ऑब्वियसली स्लोअर स्टेप। तो अगर सेकेंड स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है दैट मीन्स सेकेंड स्टेप इज द कौन सा स्टेप, स्लोअर स्टेप। अगर ये स्लोअर स्टेप है तो ये ऑब्वियसली कौन सा स्टेप होगा, फास्टर स्टेप, और फास्टर इक्विलिब्रियम हमारे यहाँ पे लाई कर जाएगा। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, हम लोग को रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर फाइंड करना है और ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एनओ, तो हम लोग को रेट लॉ लिखना पड़ेगा क्योंकि रेट लॉ में ही हम लोग कुछ इस टाइप से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनओ और बी आर टू रिएक्टेंट हैं तो इसका मेन रेट लॉ क्या आना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इन टू एनओ का पावर कुछ भी समथिंग एक्स और बी आर टू का पावर समथिंग वाई। अगर हम लोग ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो एक्स प्लस वाई, दूसरा में पूछ रहा है कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एनओ तो एनओ के रिस्पेक्ट में एक्स, तो एक्स और वाई का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो चला आइए इधर हमें हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है सेकेंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सेकेंड स्टेप हमारा रेट डिटरमाइन कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग सेकेंड स्टेप से लिख सकते हैं। तो अगर इस स्टेप से अगर हम लोग रेट लॉ लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू समथिंग रेट कॉन्स्टेंट के इन टू सेकेंड स्टेप के लिए रिएक्टेंट, तो कौन है आपका, तो एनओ बी आर टू, और ये हमारा अगर रेट इस पे डिपेंड कर रहा है मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, ये एक टाइप का एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया ना। आपको मैं बताया था कि जो भी हमारा रिएक्शन जिस पे हमारा रेट डिपेंड कर रहा है तो वो एक टाइप का एलिमेंट्री रिएक्शन, और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके ऑर्डर के इक्वल में ले सकते हैं, तो ये एक टाइप का एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया जिस पे रेट हमारा डिपेंड कर रहा है। क्लियर, क्योंकि ये तो अब एक से ज्यादा स्टेप में नहीं हो रहा है, दिस इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, सिर्फ ये वाले की बात मैं कर रहा हूँ। और इसका हमारा रिएक्टेंट के हमारा कहाँ है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 तो इसका पावर भी हमारा ऑर्डर चला जाएगा 1, बिकॉज दिस इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। और हमारा रिएक्टेंट कौन है, एनओ, और एनओ का हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, दैट मीन्स पावर 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ गया, एनओ बी आर टू के रेट कॉन्स्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनओ बी आर टी रेस टू द पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ एनओ रेस टू द पावर 1, राइट, ये हमारा आ गया। क्या ये रेट लॉ इस मेन रिएक्शन के लिए सही है या गलत है, जरा आप मेरे को बताओ, कैसे भाई पता करेंगे। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखे हैं ये इस स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, बट रेट ऑफ रिएक्शन तो मेन स्टेप का है, मेन हमारा रिएक्शन का है, तो मेन रिएक्शन का हम लोग को चेक करना पड़ेगा रिएक्टेंट। तो मेन रिएक्शन में एनओ बी आर टू रिएक्टेंट में है कहीं पे, आपको दिख रहा है क्या एनओ बी आर टू रिएक्टेंट में कहीं पे दिख रहा है, मतलब ये रेट जो भी हम लोग कैलकुलेट किए हैं ये सही नहीं है, एनओ तो दिख रहा है रिएक्टेंट में तो एनओ है हमारा, सही है, क्लियर। तो मेन रिएक्शन में हमारा एनओ और बी आर टू ही सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट में है, और इस केस में रेट वाला लिखे तो हम लोग का एनओ बी आर टू भी आ गया, मतलब इधर से हमारा ये गलत है, मतलब अभी तक करेक्ट आंसर नहीं आया। नाउ ये तो स्टेप वन, स्टेप टू हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था इसलिए उससे रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया, क्योंकि रेट को डिटरमाइन करा था तो रेट का एक्सप्रेशन हम लोग ने लिख लिया। नाउ फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा वाला स्टेप है, इक्विलिब्रियम वाला स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप अगर हमारा इक्विलिब्रियम स्टेप है तो उसमें हमारा पक्का का पक्का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट किया होगा, और इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट किया होता है उसका हम लोग के इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर सपोज कीजिए के सी लिखते हैं तो के सी क्या होता है हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, पढ़े होंगे आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अरे यही ना होता है भाई। तो अगर हम लोग फर्स्ट स्टेप के लिए केसी का वैल्यू लिखें तो कुछ भी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी, और सी वाला है तो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन आप पढ़े होंगे, दिस इज एन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो फर्स्ट वाले में लिख सकते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम लाई कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेस टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे हमारा एनओ बी आर टू, तो कंसंट्रेशन ऑफ ऊपर में आ गया एनओ बी आर टू रेस्ट ऑफ द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ एनओ यहाँ पे भी आप कुछ एम एन कर लो, पावर होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एनओ टू द पावर 1 एंड बी आर टू टू द पावर 1। ठीक है, ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू।
अब जरा आप देखो, आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपने ये वाला लिखा है रेट लॉस है, इस केस में एनओ तो ठीक है, हमारा मेन रिएक्शन में रिएक्टेंट है, हमारा कौन ज़्यादा एग्जिस्ट है, हमारा कौन एक्स्ट्रा है, तो एनओ बी आर टू है, ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि एनओ बी आर टू हमारा मेन रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड नहीं है, तो हम लोग को एनओ बी आर टू को रिप्लेस करना है। तो हम लोग सेकेंड वाला स्टेप से जो ये इक्वेशन हम लोग लाए हैं, के सी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ एनओ बी आर टू डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एनओ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टू, यहाँ से हम लोग को इसको रिप्लेस करना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ एनओ बी आर टू यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ एनओ बी आर टू इट इज इक्वल टू, नाउ इसका निकालना है तो इन दोनों को हम लोग इस तरफ भेज देंगे, तो के सी पहले से इधर है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एनओ एंड मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टू। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ एनओ बी आर टू इज इक्वल्स टू क्या आ गया, के सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एनओ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टू। अब ये जो रिएक्शन है उसमें हम लोग एनओ बी आर टू के जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाँ जी क्यों नहीं पुट कर सकते हैं, तो अगर हम लोग पुट करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर इट इज इक्वल टू के इंटू एनओ बी आर टू की जगह क्या पुट करना है भाई, तो के इंटू के सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एनओ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टू पुट कर दिया हमने, और क्या है हमारा कंसंट्रेशन यहाँ पे एनओ का। नाउ अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज अ रेट कांस्टेंट एंड दिस इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये एक कांस्टेंट ये एक कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो नया कांस्टेंट बन जाएगा, जैसे 2 भी एक कांस्टेंट हुआ 3 भी एक कांस्टेंट हुआ, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 या 6 एक नया कांस्टेंट बन गया, तो कांस्टेंट को जब कभी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते तो नया कांस्टेंट, तो ये के हमारा हो गया रेट कांस्टेंट एंड दिस के सी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो दोनों का कांस्टेंट वैल्यू चेंज करने वाला नहीं है, तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, दैट इज मान लीजिए उसको हम लोग के डैश मान लेते हैं, यहाँ पे एनओ और यहाँ पे एनओ, तो ये हो गया एनओ का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका बी आर टू का पावर वन, तो ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमारा जो ये रेट आया है इस केस में देखो ये के डैश है, ठीक है के का पावर वन नहीं है, या फिर कुछ भी आप इसको दूसरा टाइप का कर लो, या के नॉट कर लो, कुछ भी इस टाइप से। अब जो हमारा ये रेट लॉ के हेल्प से रेट ऑफ रिएक्शन आया, उसमें जो रिएक्टेंट होना चाहिए वो हमारा मेन रिएक्शन कौन होना चाहिए, तो एनओ, तो एनओ देखो मेन रिएक्शन का है कि नहीं आपका बी आर टू, देखो मेन रिएक्शन का नहीं, मतलब ये रेट लॉ 100% सही है, ठीक है। अब इस रेट लॉ से हम लोग ओवरऑल ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया, एनओ के रेस्पेक्ट में 2 और बी आर टू के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं मतलब 1, दैट इज 2 + 1, तो ओवरऑल ऑर्डर हमारा कौन सा आ गया 3, तो दिस रिएक्शन इज ऑफ मेन रिएक्शन इज ऑफ थर्ड ऑर्डर, और सेकेंड में क्या बोल रहे हैं हमारा कि ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू एनओ, तो एनओ के रेस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है, तो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू एनओ, तो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू एनओ, एनओ के रेस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है हमारा सेकेंड, तो सेकेंड, दिस इज द आंसर। समझ में आई बात नहीं आई, एक बार वापस से समझाता हूँ। पहले जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ एनओ विथ बी आर टू, तो एनओ का रिएक्शन करवाना है बी आर टू के साथ टू फॉर्म एनओ बी आर, तो एनओ बी आर बनेगा, इसके लिए हमारा जो रिएक्शन है वो दो मैकेनिज्म उसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो मेन रिएक्शन में एनओ और बी आर टू आपका हो गया रिएक्टेंट और एनओ बी आर हो गया आपका प्रोडक्ट, दिस इज आवर मेन रिएक्शन, ये आपका कैसा रिएक्शन है, दिस इज द मेन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है आपके लिए इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है कि ये दो स्टेप में होता है, स्टेप नंबर वन इज दिस एंड स्टेप नंबर टू इज दिस, स्टेप नंबर वन ये है, स्टेप नंबर टू ये है। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सेकंड स्टेप मेरा कौन सा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट मीन्स दिस स्टेप विल बी द स्लोर स्टेप, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज ऑलवेज द स्लोर स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली हमारा जो है वो फास्टेस्ट स्टेप हो जाएगा। नाउ कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम लोग को टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने को है एज वेल एज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एनओ, एनओ के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर होगा सो फाइंड करने को है ओवरऑल ऑर्डर। अब ये मेन रिएक्शन है, इसका हम लोग रेट लॉ की हेल्प से अगर लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन तो वो आएगा रेट कॉन्स्टेंट समथिंग कॉन्स्टेंट इंटू इसके लिए रिएक्टेंट है एनओ तो उसका पावर उसका ऑर्डर और बी आर टू उसका कुछ ऑर्डर होगा, हम लोग एक्स और वाई दोनों का अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा जोड़ देंगे तो, और एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनओ हो जाएगा। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन में बोला है सेकंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब सेकंड स्टेप से रेट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं क्योंकि वही रेट डिटरमाइन कर रहा है, तो सेकंड स्टेप से हम लोगों ने रेट का एक्सप्रेशन लिख दिया, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ जा रही थी, तो प्रॉब्लम यहाँ पे बेसिकली ये आ जा रही थी
कि इस केस में जो रेट की एक्सप्रेशन में जो NOBr2 आ रहा है ना, वो NOBr2 आपका मेन रिएक्शन का नहीं है, क्योंकि ये रेट हम लोगों ने लिखा है मेन रिएक्शन के लिए, ये रेट भी लिखा है मेन रिएक्शन, तो इस टाइप का आना चाहिए। तो कॉन्स्टेंट तो ठीक है, NO भी ठीक है, Br2 तो आ नहीं रहा है, वो Br2 का पावर 0 भी हो सकता था तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है, लेकिन NOBr2 भाई एक्स्ट्रा कहाँ से आ जा रहा है, मतलब इसमें प्रॉब्लम है। और ऐसे भी देख सकते हैं NOBr2 इज नॉट द रिएक्टेंट इन द मेन रिएक्शन, क्योंकि ये जो रेट का एक्सप्रेशन हमने लिखा है वो ऑलवेज मेन रिएक्शन के लिए लिखा है, तो NOBr2 हमारा मेन रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में नहीं है, मतलब इसको हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब भाई रिप्लेस कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग स्टेप 1 पे चलेंगे, क्योंकि इस केस में दिख रहा है आपको कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो वो ऑलवेज होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेस टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेस टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो NOBr2 का पावर हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और रिएक्टेंट है NO और Br2 दोनों का पावर 1 1, तो 1 1, राइट। अब हम लोग को इसको रिप्लेस करना था, क्योंकि यही टर्म एक्स्ट्रा आ रहा था, NO तो हमारा मेन रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड है ही, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात थी नहीं इससे, तो इसको रिप्लेस करना था। तो यहाँ से हम लोगों ने NOBr2 का वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पे NOBr2 का वैल्यू निकालना था, तो केस इस तरफ था, ये दोनों डिवीजन में था, तो उसको उधर मल्टीप्लीकेशन में भेज दिए, तो इधर में सिर्फ NOBr2 बच गया। तो कंसनट्रेशन ऑफ NOBr2 इट इज इक्वल टू KC इंटू कंसनट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसनट्रेशन ऑफ Br2। अब NOBr2 का हमारा वैल्यू आ चुका है, तो हम लोग का जो ये रेट का एक्सप्रेशन था उसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो K एक रेट कांस्टेंट है ही, KC एक दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2, और NOBr2 कितना है KC इनटू NO इनटू Br2, तो KC इनटू NO इनटू Br2, और क्या है हमारा एक और NO है, तो एक और NO, राइट। सॉल्व करेंगे तो ये एक रेट कांस्टेंट और ये एक दूसरा टाइप का कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट, तो K0 एक नया कांस्टेंट आ गया, कुछ भी होगा उसका वैल्यू, उससे मतलब तो है नहीं कांस्टेंट से, हम लोग को ऑर्डर से मतलब है सिर्फ NO और NO, तो NO का होल स्क्वायर, NO का स्क्वायर, और यहाँ पे Br2 एक है, तो Br2 to the power 1। अब तो हमारा मेन NO और Br2 आ गया रेट के एक्सप्रेशन में, NO और Br2 दोनों का दोनों हमारा रिएक्टेंट है, मतलब ये रेट का एक्सप्रेशन करेक्ट है, और इस केस में हम लोग ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, तो ओवरऑल ऑर्डर मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 + 1 = 3, और NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर तो NO के रेस्पेक्ट में देंगे 2। अब इस इक्वेशन को मैच करो, आपका सेम है कि नहीं, दिस इज अ कांस्टेंट, NO का पावर 2 तो x का वैल्यू आ गया 2, Br2 का पावर 1 तो y का वैल्यू आ गया 1। समझ में आई बात, मैं क्या इसमें सिखलाना चाहा, आपको सिखलाना यही चाहा कि अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी मेन रिएक्शन का लिखते हैं, क्योंकि वो सिंस मोर देन वन स्टेप में हो रहा है, तो उसका एक स्टेप होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो उस केस में रेट लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो रिएक्टेंट है हमारा वो मेन रिएक्शन का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस पार्टिकुलर स्टेप के लिए हम लोग ने रेट नहीं लिखा है, उस मेन रिएक्शन के लिए पूरा रेट लिखा है। अब वो मेन रिएक्शन का रेट उस पार्टिकुलर स्टेप पे डिपेंड कर रहा था, इस वजह से उसके हेल्प से हम लोगों ने लिखा था। क्लियर, होप समझ में आ रही होगी आपको बात, क्लियर। तो आई थिंक ये सब सारा बात आपको क्लियर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछता तो नहीं है बोर्ड्स में, हाँ JUA के पेपर में पूछता है, नीट के पेपर में पूछ सकता है, बट ऐसा हमारा जनरली पूछता नहीं है, बट मेरे को आपको एक चीज़ सिखलाना था, इस वजह से मैं ऐसा प्रॉब्लम आपको करवाया, बढ़िया सा, ठीक है, क्लियर। होप आपको अच्छे तरीके से ये बात चमकी होगी, ठीक है। आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो आप, ठीक। देन हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इरेज करता हूँ, ये विजिबल तो था ना हर कॉर्नर, ऐसा तो नहीं कुछ कट गया, ठीक है।
मिटाना बड़ा मुश्किल काम है। चलिए सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। हम लोग अलग अलग टाइप के रिएक्शन को जिसमें हम लोग को बेसिकली दो टाइप का रिएक्शन पढ़ना है, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। एक हम लोग पढ़ते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर, तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ टॉपिक है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग फर्स्ट पहला पढ़ते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, देन हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, देन सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, और हमारा चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। क्योंकि उसके आगे का जो पार्ट है कोलिजन थ्योरी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, और अरेनियस इक्वेशन ये सब हमारे सिलेबस से हटा दिया गया, पर थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा उसका। ठीक है, चलिए तो हाँ कौन सा भाई, अभी हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। इधर मान लेते हैं कोई रिएक्शन है हमारा, सपोज कोई मेन रिएक्शन है आपका जिसमें R गिव्स P, R फॉर रिएक्टेंट एंड P फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, ये कोई आपका रिएक्शन है, और ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का। अभी डिटेल में जीरो ऑर्डर पढ़ रहे तो उसी का है। हम लोग मान लेते हैं, लेट अस सपोज टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है आर नॉट, और आपको पता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बना होगा, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो। और समथिंग टाइम t इक्वल्स टू t, जब कुछ देर रिएक्शन हो गया होगा, तब सपोज करो कि यहाँ प्रकार रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आर नॉट से घट करके हो जाता है आर टी, आर टी दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, और प्रोडक्ट का कुछ भी कंसंट्रेशन हम लोग पी टी मान लेते हैं। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन से ऐसे कुछ खास मतलब है नहीं, फिर भी नाउ इस केस में अगर आप चाहो तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो रिएक्टेंट के टर्म्स में या फिर प्रोडक्ट के टर्म्स में। अगर हम लोग इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन लिखें नाउ, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग को इंटीग्रेशन वाला लिखना है, मतलब माइनस डी मतलब इंस्टेंटेनियस वाला लिखना है। ठीक है, एवरेज वाला नहीं लिखना है। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन या तो रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं, नहीं तो प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो इट विल बी इक्वल टू, रिएक्टेंट में हम लोग माइनस साइन अपने से लेते हैं, इंटू डी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डी टी। या अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना चाहें तो प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकते हैं डी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव के साइन साइन के साथ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डी टी। कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है सर। ठीक है, तो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग ने लिखना सीखा था स्टार्टिंग में ही, तो हम लोग रिएक्टेंट के टर्म्स में या प्रोडक्ट के टर्म्स में ये लिख सकते हैं। अगर सेम रिएक्शन के लिए अगर हम लोग रेट लॉ लिखें, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ध्यान देंगे अब आप, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर ये कितना के इक्वल में होगा, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि आर है रेस टू द पावर इट्स ऑर्डर, जिसको हम लोग एन मान लेते हैं। और ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन आपको बोला है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, दैट इज एन की वैल्यू यहाँ पे कितना हम लोग पुट करेंगे, जीरो, क्योंकि पहले से ही आपको ऑर्डर दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर कितना, जीरो, और समथिंग टू द पावर जीरो, तो वैल्यू कितना हो जाता है वन। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इंटू रिएक्टेंट का पावर जीरो, मतलब ये पूरा वैल्यू हो गया वन, और के को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो के आ जाएगा कॉन्स्टेंट। ठीक, समझ में आ रही बात। मतलब इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या आ गया, के कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स एक कंक्लूजन यहाँ से हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट। मतलब जितना स्पीड से शुरुआत में हमारा रिएक्शन होना स्टार्ट होगा, रिएक्शन खत्म भी उतना ही स्पीड पे होगा। ऐसा नहीं कि शुरुआत में स्पीड ज़्यादा रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट का रेट, और बाद में जाकर के स्लो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा। कॉन्स्टेंट कहने का यही मतलब है कि हमेशा क्या रहेगा, आपका यूनिफॉर्म।
तो कंक्लूड हम लोग एक चीज़ यहाँ से कर सकते हैं कि इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। जितना भी रिएक्शन होगा रेट मतलब स्पीड रिएक्शन का हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो एक चीज़ यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं स्टार मार्क करके कि इन फर्स्ट नहीं सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कितने स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। जितना देर भी रिएक्शन होता रहेगा रेट हमेशा कांस्टेंट, जितना स्पीड से शुरुआत में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, जब रिएक्टेंट खत्म भी होने रिएक्शन खत्म भी होने वाला रहेगा तब भी हमारा रेट या स्पीड रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन का वही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं करेगा क्योंकि इट इज कॉन्स्टेंट नाउ। ठीक है, एक कंक्लूजन हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ से निकाल चुके हैं। अब हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ को आगे एक्सपेंड करते हैं। अब जरा देखो ये जो हम लोगों ने रेट लॉ के हेल्प से जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है और यहाँ से जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, क्या दोनों हम लोगों ने सेम रिएक्शन के लिए लिखा है नहीं लिखा है, सेम रिएक्शन के लिए लिखा है भाई। तो ये चाहे इस लॉ के हेल्प से लिखें या फिर जनरल हम लोग जो डेफिनेशन पढ़े थे इंस्टेंटेनियस रेट या एवरेज रेट वाला उससे लिखें, ये दोनों का दोनों क्या होना चाहिए भाई, सेम, क्योंकि सेम रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन सेम होना चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू हम लोग यहाँ पे आपको पता है कि रेट लॉ से हम लोग रिएक्टेंट के टर्म्स में हमेशा लिखते हैं, तो हम लोग रिएक्टेंट वाला यूज कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा दोनों तरफ से सेम है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी, इसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पुट कर सकते हैं। तो ये यहां से क्या आ जाएगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी इट इज इक्वल टू के। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, समझ में आया क्या मैं बोला, मैं सिर्फ इतना बोला कि हम लोग बेसिक जो कॉन्सेप्ट था उससे रेट को हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में समझा था, तो उससे हम लोगों ने पढ़ा था कि दो टाइप का होता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस, उससे हम लोगों ने ये लिखना सीखा था। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग इसके बराबर भी लिख सकते हैं और बाद में हम लोगों ने रेट लॉ के हेल्प से लिखना सीखा था, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग इसके बराबर भी लिख सकते हैं। अब चाहे किसी भी तरीके से लिखें, इसी रिएक्शन का हम लोग रेट लिख रहे हैं तो चाहे इस तरीके से लिखें रेट ऑफ रिएक्शन या इस तरीके से लिखें, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा माइनस डी आर अपॉन डी टी होता है, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की जगह माइनस डी आर अपॉन डी टी पुट कर सकते हैं और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा कि आप डी टी को क्या कर दो उस तरफ भेज दो, ठीक है, तो इट विल बी माइनस ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ आर इट इज इक्वल टू के डी टी होगा नहीं होगा। अब आप क्या कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, इंटीग्रेशन बेसिक तो आपने स्टडी किया ही होगा। तो अगर हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेट करो, इधर भी आप इंटीग्रेट कर दो। टाइम हम लोग को इंटीग्रेट करना है इधर में, तो टाइम टी इक्वल्स टू हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो टाइम टी इक्वल्स टू जीरो लिए हैं तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है आर नॉट, तो यहाँ पे लोअर लिमिट हो जाएगा आर नॉट क्योंकि टी इक्वल्स टू जीरो पे हमारा कंसंट्रेशन आर नॉट। और टाइम कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, टी इक्वल्स टू टी के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं और यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम टी पे कितना है आर टी, तो आर नॉट से आर टी तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जीरो से टी तक के लिए इंटीग्रेट तो आप कर ही सकते हो। तो चलिए इंटीग्रेट हम लोग कर देते हैं, माइनस साइन ऐसे भी अगर अंदर भी रहता तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर ही ले लेते हैं हम लोग, और माइनस डी आर हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है तो डी आर का इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, जैसे डी एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो इट इज सिंपली एक्स, ऐसा ही कुछ होता है ना आपका आप पर हो गए, जैसे एक्स टू दी पावर एन डी एक्स तब ना इसका हमारा एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है, ऐसे ही होता है ना हमारा, सिंपली dx का इंटीग्रेशन करना है तो x हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे dr का इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली r हो जाएगा और r हो जाएगा लिमिट हम लोग पुट कर देंगे, लोअर लिमिट कितना है r नॉट और अपर लिमिट कितना है rt, इट इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने पुट करना सिखा ही होगा। यहाँ पे k कांस्टेंट है तो k को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे तो इट इज k, और यहाँ पे dt को इंटीग्रेट कर देना है तो dt का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लिए, जीरो से टाइम टी तक के लिए, टाइम टी को सो जीरो से टाइम टी को सो टी तक के लिए। अब डी टी का इंटीग्रेशन, जैसे डी आर का इंटीग्रेशन आर आ गया तो डी टी का इंटीग्रेशन सिंपली टी आ जाएगा, तो इट विल बी यहाँ पे हम लोग चाहें तो पुट कर सकते हैं, तो ये आपका होता है लिमिट कैसे पुट करते हैं इंटीग्रेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट दैट इज आर टी माइनस लोअर लिमिट दैट इज आर नॉट इट इज इक्वल टू के, और डी टी का इंटीग्रेशन हमारा सिंपली क्या हो गया टी, और लिमिट पुट करेंगे तो जीरो से लेकर के टी तक के लिए, यही ना नाउ। तो यहाँ से हो गया आर टी माइनस आर नॉट इट इज इक्वल टू के इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट इज टी
तो t पुट कर दिए, लोअर लिमिट इज 0, तो t माइनस 0, तो यहाँ से क्या आ गया, आर टी माइनस आर नॉट इट इज इक्वल टू के टी माइनस 0 दैट इज के टी। अगर आर नॉट को आपको इस तरफ रखना है तो उस तरफ भेज दो आप, क्योंकि निगेटिव है, दैट इज यहाँ से लिख सकते हैं आर टी इट इज इक्वल टू माइनस आर नॉट, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज आर नॉट। और एक मिनट, माइनस साइन हम लोग छोड़ दिए ना, वही मेरे को लग रहा था कि तो गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, माइनस तो इंटीग्रेशन के बाहर था तो हम लोग dr को इंटीग्रेट किए तो r आ गया, माइनस साइन अभी भी हमारा है ही, जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो माइनस साइन रहेगा ही बाहर, ठीक है, ये माइनस साइन आपका है ही, माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आर टी हो जाएगा माइनस और आर नॉट हो जाएगा माइनस माइनस क्या प्लस, ठीक है, वही मेरे को लग रहा था कि गड़बड़ तो कुछ कर दिया हमने, क्योंकि एक्सप्रेशन ही गलत आने लगा था। नाउ आर नॉट इधर पॉजिटिव है तो आर टी को हम लोग उधर भेज देंगे तो इधर नेगेटिव, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, वैसे पुट कर सकते हो, चाहे आप क्या कर दो माइनस से मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई ही कर दो, एक काम करो आप एक्सप्रेशन थोड़ा सा रुक जाइए, माइनस से हम लोग क्या कर देते हैं टोटल में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, आर टी माइनस आर नॉट, ठीक है। अब इधर में माइनस है, आप क्या करो एक माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और एक माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो माइनस से इधर में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस कर देंगे तो सारा का सारा सेम, और एक माइनस इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के टी, ठीक है, या फिर इधर वाला माइनस को उधर भेज दो, अब जो भी जैसे भी समझो, समझ में आई बात, ये माइनस था दोनों तरफ हम लोगों ने एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम चीज़ से डिवाइड करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई दोनों तरफ किए तो ये माइनस था पहले से और एक और माइनस से मल्टीप्लाई किए प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस था हम लोगों ने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया, तो यहाँ से हो गया आर टी माइनस आर नॉट इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी, आर नॉट निगेटिव है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं आर टी इट इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के इंटू टी। तो ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉस एक्सप्रेशन आ गया। आर टी व्हाट इज आर टी, आर टी द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, तो आर टी इज नथिंग इट इज सिंपली द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। व्हाट इज आर नॉट, तो आर नॉट क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली एंड या टाइम टी को जीरो के लिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इक्वल्स टू जीरो, के इज वाट, तो के इज नथिंग इट इज सिंपली द रेट कॉन्स्टेंट एंड टी क्या चीज़ है आपका तो टाइम बस। तो अगर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पता रहेगा, रेट कॉन्स्टेंट दे देगा और टाइम दे देगा, तो आप फाइनल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं टाइम टी पे, तो वो आप इस फॉर्मूला के हेल्प से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा, पहले आप इसको एक बार कॉपी डाउन कर लो, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। कॉपी कर लिया होगा और आपने पॉज करके आप कर लेते। चलिए देखिए, हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ रहे हैं, तो इस टाइप से हम लोग कि इंटीग्रेशन वाले टर्म में, मतलब हम लोग इंस्टेंटेनियस वाले टर्म में अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफरेंटली पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, देन हम लोग फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ेंगे। हम लोगों ने मान लिया कोई भी रिएक्शन है, आर गिव्स पी, रिएक्टेंट हमारा दे रहा है प्रोडक्ट, इस केस में हमारा टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था आर नॉट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन तो अभी हुआ ही नहीं है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा। जबकि टाइम टी इक्वल्स टू टी पे हम लोग ने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मान लिया आर टी, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो गया पी टी, नहीं राइट। अब हम लोग जो बेसिक सबसे पहला क्लास में हम लोग ने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, तो उस केस में हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखते थे, तो रिएक्टेंट का अगर रेट लिखना है तो माइनस करके साइन लिखते थे, प्रोडक्ट का लिखते थे प्लस साइन के साथ, तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिए रिएक्टेंट के टर्म्स में, प्रोडक्ट के टर्म्स में, यूज़ हम लोग रिएक्टेंट वाला किए हैं क्योंकि रेट लॉ में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के हेल्प से हम लोग उसको डिटरमाइन करता है। मैं आपको बताया था कि रेट लॉ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बताता है, तो इट इज रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो इट इज माइनस डी आर अपॉन डी टी, और प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखेंगे तो डी पी अपॉन डी टी, ठीक है, इसका यूज हम लोग को नहीं है। नाउ अगर इसी सेम रिएक्शन के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो अगर रेट लॉ से लिखेंगे तो रेट लॉ से हम लोग क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू द पावर इट्स ऑर्डर, और ये हम लोग कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ऑर्डर का वैल्यू तो आ गया जीरो, तो पुट कर देंगे जीरो, तो आर ओ आर इट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू द पावर जीरो, और एनीथिंग टू द पावर जीरो उसका वैल्यू हो गया वन, सो रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू के इंटू वन, दैट इज के आ गया,
तो यहां से दिख रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इट इज के, दैट इज कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ही है तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा। दैट मींस यहां से एक कंक्लूजन ये निकला कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट होता है, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहां पे फैक्टर नहीं आया, तो वो मैं आपको लिखवा दिया। नाउ अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर अपॉन डी टी, इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन था उसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया माइनस डी आर अपॉन डी टी, इट इज इक्वल टू हाउ मच के, हम लोग क्या करते हैं डी टी को उस तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ पे बच गया हमारा माइनस डी आर, तो के डी टी इंटीग्रेट करेंगे। इधर हम लोग को टाइम को इंटीग्रेट करना है, तो टाइम जब टी को सो जीरो लेंगे तब यहाँ पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंटीग्रेट करना है, तो टी को सो जीरो पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है आर नॉट, और टी को सो टी पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो गया आर टी, तो हम लोग ने लिमिट भी पुट कर दिया, माइनस था तो माइनस ऐसे भी इंटीग्रेशन के बाहर ही रहेगा हमारा। डी आर को इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपली आर आ जाएगा, डी एक्स को इंटीग्रेट जैसे करते हैं तो एक्स आ जाता है इस टाइप से, तो डी आर को सिंपली हम लोग ने इंटीग्रेट किया तो सिंपली आर आ गया, हम लोग लिमिट पुट करेंगे आर नॉट आर टी, इट इज इक्वल टू माइनस साइन तो पहले से ही हमारा बाहर है, इट इज इक्वल टू के हमारा कॉन्स्टेंट था तो इंटीग्रेशन के बाहर, डी टी को इंटीग्रेट करेंगे टाइम टी को जीरो से टाइम टी को थ्रू टी के लिए। यहाँ पे हम लोग हमेशा जब लिमिट पुट करते हैं दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस आर के जगह पे अपर लिमिट इज आर टी, लोअर लिमिट इज आर नॉट, इट इज इक्वल टू के, और डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो टी आ जाएगा, लोअर लिमिट इज जीरो अपर लिमिट इज टी, तो माइनस आर टी माइनस आर नॉट इट इज इक्वल टू के, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट टी पुट कर दिए लोअर लिमिट जीरो पुट कर दिए, जीरो तो ऐसे भी हट ही गया, माइनस से हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस से अगर हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर ऐसे कर लो आप, माइनस से हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, तो दिस माइनस इंटू दिस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, इसलिए आर टी माइनस आर नॉट जैसा था वैसा ही रह गया, और यहाँ पे एक माइनस हम लोग लिख लिए, तो माइनस ऑफ के टी, राइट। अब यहाँ पे आर नॉट नेगेटिव है तो उधर जाकर हम लोग पॉजिटिव कर देंगे, तो आर टी इज इक्वल टू क्या आ गया आर नॉट माइनस के टी, आर टी इज वन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, आर नॉट इज वॉट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, एंड के इज रेट कॉन्स्टेंट एंड टी इज वॉट टाइम। तो अगर आपको इसमें से कोई भी डाटा मिसिंग होगा तो आप उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, अरे कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो हाँ भाई कर सकते हैं। तो ये था आपका, तो इसमें ये एक्सप्रेशन आपके यूज़ का है, साथ में ये डाटा भी आपके यूज़ का है। होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी अच्छे तरीके से। क्लियर? तो यहाँ से दो चीज़ हम लोग कंक्लूड किए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए थ्रू आउट द रिएक्शन रेट क्या होता है कांस्टेंट, और हमारा जो लास्ट हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन भी डिटरमाइन कर लिया, कैलकुलेट निकाल लिया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट टाइम टी निकाल सकते हैं उस एक्सप्रेशन से। आइए हम लोग इसका एक कर्व देख लेते हैं, दो कर्व एक्चुअल में देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कर्व इसका देख लेते हैं कि एक साथ हम लोग कर्व कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, इधर में आपका वाई एक्सिस पे है, ये तो जीरो हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे सपोज करो आपको प्लॉट करना है रेट ऑफ रिएक्शन, और एक्स एक्सिस पे आपको प्लॉट करना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सपोज। नाउ y एक्सिस में आपको प्लॉट करना है रेट ऑफ रिएक्शन, और x एक्सिस में आपको प्लॉट करना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी कौन से ऑर्डर के लिए हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं, जीरो ऑर्डर के लिए। तो अभी जस्ट मैं आपको बताया कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है कांस्टेंट, वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर जीरो पे डिपेंड करता है जिसका वैल्यू हो जाता है वन, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसे भी आप चेंज करो, बढ़ा दो घटा दो कुछ भी कर दो, वो कम रहेगा ज़्यादा रहेगा उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगा एक कांस्टेंट वैल्यू, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चाहे कम है चाहे ज़्यादा है बीच में है उससे कोई भी बहस नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा भाई कांस्टेंट, तो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू के होगा और वो हमेशा वही होता चला जाएगा, कभी भी चेंज नहीं करेगा, तो कर भी आ जाएगा, समझ में आई बात, तो कांस्टेंट कर्व हमारा आ गया। अरे क्लियर? जबकि सपोज कीजिए कि अगर हमारा सेकंड कर्व हम लोग को प्लॉट करना रहे क-
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में कहां से रिलेशन हम लोग को मिल रहा है, तो हम लोग को इस कर्व से रिलेशन मिल रहा है। इस कर्व में हम लोग देख रहे हैं कि RT is equal to R naught minus KT, ये हमारा जो इक्वेशन है, क्या ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के टाइप का है कि नहीं? हमारा वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y equals to mx plus c, ये आपका y एक्सिस, m हो गया आपका स्लोप, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेट को, और c हो गया आपका इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट आपको मालूम होगा ये बताता है पोजीशन ऑन y एक्सिस, ये क्या बताता है आपका पोजीशन ऑन y एक्सिस। तो y और c दोनों बता रहा है पोजीशन ऑन y एक्सिस, तो यहाँ पे y के जगह पे देखो इक्वल टू के इधर में क्या है आपका RT दैट इज द रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम लोग y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं कि नहीं प्लॉट कर रहे हैं भाई, तो हाँ तो इस टाइप का है। R नॉट हमारा नहीं, इधर में हमारा x एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हैं टाइम, t में प्लॉट कर रहे हैं, तो टाइम प्लॉट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये जो t हो गया सो आपका x एक्सिस हो गया, तो x के बगल में क्या मल्टीप्लाइड होता है स्लोप, तो स्लोप इज k नहीं है माइनस k, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है तो स्लोप इज माइनस k, दैट मीन्स इस इक्वेशन के लिए स्लोप जिसको हम लोग m से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं इसका वैल्यू कितना आ गया माइनस k, ठीक है। और r नॉट पॉजिटिव वैल्यू, तो हमारा x के टर्म नहीं अकेला जो चीज प्रेजेंट होता है इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट क्या आ गया बेसिकली r नॉट, तो स्ट्रेट लाइन की तरह मिलता है कि नहीं, y तो y, c तो ये c, ये m तो m हो गया माइनस k, और x तो t, देखो आप, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। तो इस केस में हमारा इंटरसेप्ट बताता है पोजीशन ऑन y एक्सिस, तो पोजीशन ऑन y एक्सिस तो हमारा ये, और ये हमारा स्लोप कैसा है निगेटिव, तो अगर स्लोप पॉजिटिव रहता है तो हमारा ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग कर्व ऐसा होता है, अगर स्लोप हमारा नेगेटिव है तो ऐसा कर्व डिक्रीजिंग होगा, राइट। ये आप लोग पढ़े ही होंगे, मैथ्स वाले तो और अच्छे से पढ़े होंगे, बायो वाले भी इतना जानते ही होंगे, ठीक है, कि अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग कर्व, स्लोप नेगेटिव तो डिक्रीजिंग कर्व। अब हमारा कर्व डिक्रीज कहाँ से करेगा, या तो दिख रहा है कि स्लोप नेगेटिव है मतलब कर्व डिक्रीजिंग होगा, लेकिन डिक्रीज कहाँ से करेगा, तो इंटरसेप्ट से, इंटरसेप्ट क्या होता था पोजिशन ऑन वाई एक्सिस, तो इंटरसेप्ट है आर नॉट, तो आर नॉट कोई ना कोई एक पोजिशन होगा वाई एक्सिस पे, और वहाँ से हमारा कर्व क्या करने लगेगा डिक्रीज, और ये इसका जो स्लोप होगा इस स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा माइनस ऑफ के। तो ये दो कर्व को भी आपको ध्यान में रखना है, ये कर्व भी आपको दे देगा, ऐसा दे देगा कि ये कर्व बना करके और आपसे पूछ देगा कि ये कर्व जो है हमारा वो कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, दिस इज फॉर वैलिड फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या फिर डायरेक्टली आपको दे देगा कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज वैलिड, और एक कर्व ऐसा रहेगा या फिर एक कर्व ऐसा रह सकता है, क्लियर बस आई बात समझ में, तो इस टाइप से आप लोग देख लेंगे, राइट। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है, अभी थोड़ा सा और इसमें बाकी है, हाफ लाइफ ये सब कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, देन हाफ लाइफ ये सब पढ़ाऊंगा, देन हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे, काफ़ी आसान सा है क्वेश्चन, इसमें आपको सॉल्व तो आसानी से कर सकते हो, एक ही क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक है। तो होप आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, हाँ, और एक नोटिस है आप लोगों के लिए, नोटिस ये है बेसिकली कि अब आप लोगों का स्कूल खुल चुका है, तो आप लोग में से जिन लोगों को भी आना यहाँ पे पॉसिबल है, जैसे बसेस ये सब तो अभी रन नहीं कर रही है, तो उन लोगों के लिए आना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए ऐसे ही कंटिन्यूसली ऑनलाइन क्लासेस तो चलता रहेगा फिलहाल जब तक बसेस रन नहीं करती है, लेकिन जिन लोगों के लिए भी यहाँ पे आना पॉसिबल है इधर में स्कूल में, आप आ सकते हो, चाहे आप आसपास के हो तो बाइक से साइकिल से आ सकते हो, या फिर अगर आप मतलब अपने ओन व्हीकल से पापा पहुंचा दे रहे हैं किसी भी तरह से, ऑटो ऑटो जिस भी तरीके से अगर आप आ सकते हो तो आप सिंसियरली प्लीज़ स्कूल आओ, क्योंकि आपको खुद को मालूम होगा कि आप घर पे बैठ करके उतने अच्छे से स्टडी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नहीं हो पाता है पढ़ाई, एक तो आपके पास मोबाइल फ़ोन है, कोई प्रेशर है नहीं, तो बस आप नहीं कर पाते स्टडी। तो मेरा आपसे पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल है तो आप स्कूल आना जरूर से ज़रूर स्टार्ट करें, क्योंकि यहीं पे आपका सही से पढ़ाई हो पाएगा, आपको टास्क दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो मुश्किल से 6 महीना भी नहीं बचा हुआ है, मतलब 6 महीना तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाता है प्रैक्टिकल, तो दिसंबर तक ही आपके पास टाइम है, सेप्टेम्बर खत्म हो रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो मात्र 3 महीना, अगर इतने दिन आप अच्छे से क्लासेस नहीं अटेंड करते हो तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाना है बोर्ड्स में, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी अभी से सिंसियर हो और अगर पॉसिबल है स्कूल आना तो आप प्लीज़ आइए, ठीक है। बाकी जो स्कूल का टाइमिंग है आपका, तो ये क्लासेस आपका स्टार्ट होगा 7:30 से AM से, और ये क्लासेज आपका रन करेगा टोटल 12:30 तक, ठीक है, PM, बीच में 3 पीरियड्स आपके पढ़ाई होंगे इसमें,
और बीच में आपका क्या होगा, हाफ आवर का लंच ब्रेक होगा, ठीक है। तो मेरा आपसे पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल है ना, तो आप जरूर से जरूर स्कूल आएँ और क्लासेस रेगुलर अटेंड करें, क्योंकि आपको खुद को मालूम होगा, आप खुद थोड़ा बहुत भी सोचते होंगे कि ऑनलाइन से आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, मेरे को पता है। तो ठीक है, तो इस टाइप से आप स्कूल आ सकते हैं। हाँ, और बाकी अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 100 से मोर स्टूडेंट्स आज भी आ रखे हैं स्कूल, जो कि फर्स्ट डे आज पहला क्लास स्टार्ट हुआ है। तो इस टाइप से तो आप ज़रूर से ज़रूर आएँ अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, एक बात और, आपको आना है स्कूल स्कूल ड्रेस में नहीं, ठीक है, स्कूल ड्रेस पहन करके नहीं आना है, तो आप फॉर्मल ड्रेस पहन करके आओगे, कैजुअल ड्रेस, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी पहन के नहीं आना है, तो आप फॉर्मल कैजुअल ड्रेस पहन करके आओगे आप लोग, ठीक है। तो उस टाइप से, और साथ में अपना मास्क तो लेकर के आओगे, सो कॉमन सेंस ही बात है, एक सैनिटाइज़र भी अपने साथ लेकर के आओगे, ठीक है, तो अगर आप आते हो तो, ठीक, ओके, थैंक्स, थैंक यू।